हे गाइस वेलकम बैक टू वर्दी व्हील्स। मेरा नाम है आशीष पांडे और आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू लेकर आया हूं दैट इज हुंडई की क्रेटा 2017 वाला एडिशन। मैं फेसलिफ्ट वाला वेरिएंट का रिव्यू क्यों नहीं लाया, इसका क्यों लाया, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि ये जो सेगमेंट था, ये जो इसका मॉडल था, वो अपने में ही बहुत ही बढ़िया था। इसके कितने भी फेसलिफ्ट आ जाए, जो अभी एडिशन चल रहा है या जो अभी एक और आने वाला है, वो इसको तो बीट नहीं कर सकते। ये है 2017 का एडिशन जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 11,17,000 से एंड गोज अप टू 16 लाख रुपीस। ये अपने सेगमेंट में कमाल की गाड़ी थी। इसके राइवल्स थे मोस्टली फोर्ड की इको स्पोर्ट, लेकिन ये कहीं भी उनके साथ मतलब स्टैंड नहीं कर रही थी, ये अलग ही रूल कर रही थी। पता नहीं कि उसके फेसलिफ्ट में जब ये फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दे दिया तो उसको चेंज करा, बट मुझे पर्सनली ये गाड़ी बहुत पसंद है। 2017 से मैं इसे ओन कर रहा हूं और इसके ऐसे एक भी फीचर है, मतलब एक भी ऐसे फीचर नहीं जो मुझे पसंद नहीं आए। क्या क्या ये गाड़ी प्रोवाइड करती है और क्या क्या इसकी खासियत है, हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस अब स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेसिफिक वेरिएंट के बारे में आपको बता दूं, ये है E+ Hyundai Creta 2017 वाला एडिशन। इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो 13 लाख की इसकी प्राइसिंग थी। ये आप देख सकते हो, फ्रंट की अगर बात करूं इसकी तो कितना अग्रेसिव और मस्कुलर लुक प्रोवाइड करता है। हेडलाइट सेटअप की बात करूं तो आपको हेलोजन बेस्ड हेडलाइट मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर के साथ। यहाँ पे आपको इंडिकेटर सपोर्ट है, यहाँ पे आपको कोई फॉग लैम्प नहीं मिलता उस वाले वेरिएंट में, तो हमने बाहर से लगवा रखा है। इसकी ग्रिल्स की बात करूं तो काफी अच्छा है, एयर इंटेक काफी अच्छा है। हेडलाइट सपोर्ट में जो रात में यूजुअली क्वेश्चन रहता है कि ब्राइटनेस कम है, डिम है, चलाने में दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसको ऑलमोस्ट 7 साल से चला रहा हूं तो मुझे तो आज तक कोई इशू आया नहीं। हो सकता आपको आए, लेकिन अब तो वेरिएंट ही चेंज कर दिया, नया फ्यूचरिस्टिक डिजाइन एंड प्रोजेक्टेड हेडलैम्प के साथ आता है। इसके साथ अगर इसके इंजन की बात करूं तो 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कमाल का है, और ये मैनुअल में है गाड़ी 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। लेकिन इसके साथ भी आपको जो एवरेज है वो आराम से 17-16 इसके बीच में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने पर्सनली निकाला है वो 18 तक भी निकाला है, तो आप चलाने वाले पे डिपेंड करता है वो कहां से कितना खींच सकते हैं। इसकी विंडशील्ड की बात करूं तो कमार की स्लैंटिंग पोजीशन है और इसके वाइपर काफी बड़े है। रेनी सीजन में भी आपको कोई इशू नहीं होगा। इसको मैं मनाली तक लेकर गया हूँ सेल्फ ड्राइव करके, वहां पे भी मुझे कोई इश्यूज नहीं आया। गाड़ी कहीं भी आपको अंडर पावर का तो बात ही नहीं उठता। इसके टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, आप देख सकते हैं 205/65R 16 इंच 16 इंची के टायर मिल जाते हैं। इसमें आपको व्हील कैप मिलता है, अलॉय व्हील हमने बाहर से लगवाए हैं, लेकिन इस लुक के साथ ये अलॉय व्हील कमाल के लग रहे हैं। साइड में इसकी बात करूं तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया बिडिंग दे रखी है आपको, जो प्रोटेक्टिव है, गाड़ी लगती रहती है अगर शहर में चलाओ। इस गाड़ी की ये भी खासियत है गाइस कि शहर के लिए ही बनी है। अगर आज भी आप क्रेटा लेने जाते हो और आपके पास उसके साथ ऑप्शन आ जाता है हैरियर का, तो हैरियर लोग ना लेके ये लेते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट है और प्रैक्टिकल गाड़ी है, क्योंकि दिल्ली में इतना ट्रैफिक है आप हर जगह नहीं ले जा सकते, तो ये इसका एक और प्लस पॉइंट है। तो इसके टायर के बाद अब हम बात कर लेते हैं इसके बैक प्रोफाइल के बारे में। आप देख सकते हो फ्रंट से जितनी एग्रेसिव दिखती है, पीछे से भी उतनी मस्कुलर है। ऐसा नहीं लगे कि आपको पीछे दबी, क्योंकि आजकल गाड़ियों में जो दिक्कत हो रही है, आगे से तो बहुत अच्छी बनाते हैं बट पीछे उतना ध्यान नहीं देते, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। अब इसकी बैक प्रोफाइल की बात करूं तो आपको बैक लाइट में आपको वही हेलोजन का सेटअप मिल जाता है रिफ्लेक्टर के साथ, एलईडी नहीं था, एनीहाउ हाई अमाउंट स्टॉप लैंप फिर भी आपको मिलता है। ऊपर आपको अभी भी बेसिक एंटीना मिला हुआ था। यहाँ पे क्रेटा की बैजिंग मिल जाती है, क्रोम की थोड़ी सी प्लेट मिल गई है, यहाँ पे हुंडई की बैजिंग, यहाँ पे फिर भी आपको रिवर्स कैमरा सेंसर्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इतनी बड़ी गाड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है तो रिवर्स वगैरह करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए ये कमाल की फीचर है। अब जो मेन चीज है वो है इसका बूट स्पेस। इसका बूट स्पेस देखिए, अप्रोक्सीमेटली 440 का बूट स्पेस है इस गाड़ी में, 440 लीटर का। ये अगर मैं साइज की बात बताऊं भाई साहब, बंदा पैक कर दो आप इसमें, क्या ही लेके जाओगे हम लोग जब यूजुअली ट्रिप पे जाते हैं इसका। लेकिन इस बूट स्पेस का एक ड्रॉबैक है, जब भी हम लोग कहीं ट्रिप वगैरह पे जाते हैं तो मेरी ही गाड़ी निकालनी पड़ती है, क्योंकि सबके सामान आ जाते हैं इसमें, तो ये एक अच्छी चीज है। इसके अलावा हमने तो पहले इसमें सनशेड ले लिए थे कंपनी की तरफ से, तो थोड़े जेड ब्लैक की भी फीलिंग दे देती है, बट गाड़ी प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है। अब मैं ले चलता हूँ इसके अंदर ड्राइवर साइड पे, दिखाता हूँ उसमें क्या क्या फीचर आपको मिलते हैं, चले चलते हैं। तो गाइस अब आ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। पहली बात, ये गाड़ी का गेट बहुत भारी है, तो बिल्ड क्वालिटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ ड्राइवर साइड की बात करूं, यहाँ पे आपको अनलॉक लॉक के फीचर मिल जाते हैं, 4 विंडो पावर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये आपको मैन्युअली मिलता है, इसमें पावर लॉकिंग नहीं मिलती, पता नहीं क्यों, इस फीचर इतने वाले में तो मिल जाना चाहिए। इसके साथ आपको ORVM कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके साथ ही अब हम बैठ जाए तो ये धड़, सुनिए इस गाड़ी का धड़ इतना स्ट्रांग है। अब मैं इसके अंदर बैठा हूं तो पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो है अपराइट पोजीशन। ये गाड़ी इतनी बढ़िया है, प्रैक्टिकल है कि मैं देख सकता हूं चारों तरफ, जीरो ब्लाइंड स्पॉट, मेन चीज है जीरो ब्लाइंड स्पॉट। इसका पिलर जो है वो भी बहुत पतला है, इतना नहीं कि आपको दिखेगा नहीं। इसके साथ मैसिव आपको ORVM मिल गए पीछे देखने के लिए। अब स्टेयरिंग की बात करूं तो हैंडी है, कमाल की स्टेयरिंग व्हील है, आप इसको देखिए, टिल्ट है
टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, लेकिन स्टेयरिंग भी भारी है, आपको ऐसा लगेगा गाड़ी हल्की लग रही है, कहीं भाग रही है। इसके साथ अब बात करूँ स्टेयरिंग पर कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स, यहाँ पे बीच में हुंडई की बैजिंग, और यहाँ पे आपको बाकी के इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के। ये है पूरा ओवरऑल। स्क्रीन की बात करूँ तो इसमें टच स्क्रीन मिल जाता है, लेकिन बहुत छोटा फंक्शनल, बाकी मैनुअल फिजिकल बटन मिलते हैं। यहाँ पे क्लॉक की प्लेसमेंट मिल गई है, यहाँ पे एसी वेंट्स क्या है, ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता, मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके साथ थोड़ी स्पेस यहाँ मिल जाती है, एंड ये आपका मिल गया 6 वे ट्रांसमिशन। इसके साथ हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट यहाँ पे है। ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बेसिक टिकट होल्डर के साथ, और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर का सपोर्ट है, ये मैनुअल मिलता है आपको। इसके साथ ये प्रैक्टिकल बताऊं तो बहुत अच्छी है, डैशबोर्ड भी लंबा चौड़ा है, प्रेजेंस अच्छी है, मुझे यहाँ से बोनट दिखता है जो बहुत जरूरी है अगर हम बंपर टू बंपर ट्रैफिक में चल रहे हैं। इसके साथ अब ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो डिसेंट साइज है, लेकिन इसमें कूलिंग फीचर मिल सकता है मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा दो लोग जो बैठते हैं आगे उनके लिए तो अलग ही प्रेजेंस ये क्रिएट करता है गाड़ी। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। ये गाड़ी 6 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन आज तक तो मुझे कहीं इंजन में कोई लैग, कोई नॉइज कुछ भी नहीं लगा है। आज मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं, आप मुझे बताइए आपके क्या रिव्यूज हैं। ये हो गया स्टार्ट। ये इतना शांत इंजन है आपको पता भी नहीं चलेगा, एक मिनट में रेडियो बंद कर लेता हूं, इसमें आवाज आएगी वरना। ये गाड़ी का इंजन इतना शांत है, मुझे आज तक कोई लैग कोई नॉइज नहीं पता चली। आप मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है, इसमें कोई आवाज है, कैबिन नॉइज वगैरह? ये बहुत ही रिफाइंड कार है, हुंडई ने कमाल का काम करा इसके इंजन पे। तो ये था इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन के बारे में। अब मैं ले चलता हूं आपको इसके पीछे और दिखाता हूं, जितना आगे प्रैक्टिकल है उतना ही ये पीछे भी प्रैक्टिकल है। अब मैं आगे इसके पीछे वाली सीट पे, आगे वाली सीट मेरे हिसाब से सेट हो रखी है। अब लेग रूम की बात करूं तो भाई इससे ज्यादा क्या लेग रूम लोगे, ये लो मैं यूं बैठ जाऊं ना फिर भी थोड़ी बहुत बच जाती है, ये एक लेग रूम हो गया। इसमें बीच में बिल्कुल भी हल्का सा बंप है तो पता भी नहीं चलेगा, 3 लोग आराम से बैठ जाओगे। हेडरूम की बात करूं तो 5'8" है मेरी हाइट, भैया बहुत ज्यादा हेडरूम है। ग्रैब हैंडल का सपोर्ट यहाँ मिल गया आपको, बेसिक अनलॉक बटन मिल गया, पावर विंडो की सपोर्ट यहाँ पे है आपको। कमाल की एरी फील दे रही है गाड़ी, चारों तरफ के शीशे इतने बड़े हैं कि कहीं भी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा मेरे को। इसके साथ सीट की बात करूं तो फिक्स हेडरेस्ट मिल गए हैं दो आपको, सीट कवर हमने आफ्टर मार्केट लगाया ऑफ कोर्स। इसके साथ आपको यहाँ पे देखोगे तो एसी विंड मिल गया है विद कंट्रोल्स, फ्लो भी एडजस्ट कर सकते हो। कोई पावर आउटलेट नहीं है, वो थोड़ा सा बहुत है, लेकिन उस टाइम पे इतना जरूरत नहीं था। इसके साथ आपको पीछे दिख सकता है बहुत बड़ा स्क्रीन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सीट है 60-40 स्प्लिट नहीं होती, पूरी स्प्लिट होती है, तो वो एक चीज है। उसके अलावा ये कोई भी दिक्कत नहीं इस गाड़ी में, आप आराम से बैठ सकते हो, कंफर्टेबल है, अपराइट पोजीशन है, बैक पेन भी नहीं होगा। लंबी राइड पे आप जाना चाहते हो 200-400-500 किलोमीटर, तो इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं लगता मुझे कोई और है। सो गाइज ये था डिटेल रिव्यू अबाउट Hyundai Creta 2017 वाला E+ वेरिएंट का। मुझे इस गाड़ी में आज तक कोई इशू हुआ नहीं, मैंने सारी रिव्यू डिटेल में आपको दिखा दी है। अगर आपको कुछ लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप मुझे बताइए अगर ये गाड़ी आज सेल के लिए दोबारा आती है Hyundai की तरफ से तो क्या आप लेना प्रेफर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग Wadi Wheels एंड स्टे अलॉन्ग विद Wadi Wheels। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।